हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज फिर से मैं कुल्लू आ गई हूँ इस हफ्ते भी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं मैंने लिया था। तो इस हफ्ते मैंने लेना है थोड़ा पूरा सामान, ज़रूरी ज़रूरी जो भी है। तो इस हफ्ते मैं दोबारा से आ गई हूँ। तो इस हफ्ते हम दोबारा से जाएंगे, फिर आज भी हम जाने वाले हैं 3-4 बजे के बीच में, और फिर करेंगे हम शॉपिंग। मैं सच तो बहुत दिला गई हूं। और देखिए यहाँ शब्बू, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल तो बस इतना ही है। सुबह सुबह खुद के लिए लंच बना रही है, क्योंकि आजकल ये लाइब्रेरी जाती है पढ़ने इंटेलिजेंट लोग। भिंडी की सब्जी बनाई है यहाँ पे, टेस्टी टेस्टी। फिलहाल अभी तो यही हो रहा है, मोनिका ने अभी लाइब्रेरी जाना है, शब्बू और मैं रूम में होंगे, और फिर शाम को जाएंगे हम शॉपिंग करने। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अब थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल नहीं है। मिलेंगे बाद में फ़ोन चार्ज करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो दिन के अभी 4 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अभी जाऊँगी मैं ढालपुर। शब्बू पहले ही चली गई है और मोनिका लाइब्रेरी गई हुई है, तो मैं अभी यहाँ से जाने वाली अकेली हूँ। तो फ़िलहाल हम सब मिलेंगे, तीनों ढालपुर में मिलेंगे, वो दोनों भी मुझे, और फिर उसके बाद करेंगे हम आज की शॉपिंग स्टार्ट, क्योंकि उन दोनों को भी सामान लेना है और मुझे भी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब बस निकल ले रही हूँ यहाँ से। तो फ़िलहाल फटाफट निकल जाती हूँ मैं, ताकि टाइमली पहुँच जाऊँ। सो फिर मिलते हैं उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो निकल चुकी हूँ मैं अभी रूम से, और अभी जा रही हूँ मैं ढालपुर। अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे मुझे चलते चलते। मोनिका मिलेगी मुझे ढालपुर चौक पे, और शब्बू भी वही मिलेगी। तो फिलहाल पहुँचते हैं फटाफट, उसके बाद मिलेंगे। हम पेट पूजा करते हैं। ये देखिए पूनम पुजारी को बहुत भूख लगी है, ये खा रही है। क्या खा रही है? चना समोसा। ये देखिए मोनिका पुजारी भी ठूस रही है, तभी इतनी मोटी हो रही है जंक फूड खा के। नाने चलो मैं भी अपना नाश्ता शुरू कर लेती हूँ। मेरे लिए नाश्ता ये, क्योंकि मैं खाने देखिए शब्बू रात को भी नाश्ता करती है, इसका नाश्ता हो रहा अभी रात को। अभी हम आए हैं एटीएम, मोनिका ने शॉपिंग करके सारे पैसे ख़त्म कर दिए। देखिए पीछे एटीएम जा रही है, और बहुत ज़्यादा थक गए हम दोनों, बहुत शॉपिंग की हमने, वीडियो बनाने को टाइम भी नहीं मिला है ना, कुछ बोल ही। इसमें खतरनाक शॉपिंग की है, ये शॉपिंग का ही है, ये वाला ये जो है पहनना हुआ। तो फिलहाल हम मिलते हैं बाद में, अब मिलते हैं रूम पर चलते चलते टाइम मिल गया था। ठीक है भाई। मोनिका कितने की शॉपिंग की? अगर शर्म आ रही है बता दे, कितने की शॉपिंग की? कितने की ड्रेस सी की होनी? 2000 की शायद से। बेचारी ने सारे पैसे खत्म कर दिए, अभी ताजे ताजा और नोट निकाले इसमें। मैंने एटीएम से पैसे निकाले और मुझे बहुत दुख हुआ बेचारी को। मैं तो पहले से ही दुख से भरी हूं, मैं क्या बताऊं। इसने तो बतेरे पैसे खर्च लिए हैं। हां तभी मेरी आवाज उड़ गई। गाइस इन लोगों ने मेरे पास आटा दिया है उठाने को, और यहां देखिए कुछ नहीं सर, ये मैं एक बार भी नहीं लोगों ने पूछा, मैं उठा लूँ खुद ऐसे मॉडल बन के चलूँ। हाँ मॉडल, इतना बड़ा बैग है मेरे पास, 10 रुपए की कैरी बैग को बोल, इतना बड़ा बैग। इसमें बहुत बड़ा सामान उठा के देखो, ऊपर से गंदे होना ऊपर से वो। ये बहुत बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी, ध्यान से देखो इसको। अच्छी हूँ लेकिन गद्दी आज ये गद्दी भी बन गई है देखो। यहाँ देखो ये मोनिका है, यहाँ देखिए ये भी मॉडल बन के चले हुए, मॉडल बन के, और मेरी है खस्ता, आप खुद ही देख सकते हैं मेरी हालत। बहुत अच्छी, बहुत मेहनती है, कांटेक्ट करें कमेंट में किसी को, सुंदर सी शील्ड करनी है, किस वाटर चावल उठाना होगा तो उठाने वाली चाहिए तो मेरे को। सो फाइनली फ्रेंड्स हम रूम पहुंच चुके हैं, देखिए
पीछे। और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरे कान खड़े हो गए। लेकिन मैंने कोटी ली है, बहुत अच्छी है। मात्र 500 रुपए में। और क्या क्या लिया दिखाइए मोनिका जी, जरा दिखाइए। और हमने पता क्या लिया हुआ है, और ये मेरी सबसे जरूरी काम की चीज। हाँ ये टेलर है ना, टेलर बॉटल लिए मात्र 200 रुपए में। 200 रुपए में झूठ बोल रही है, 20 रुपए मात्र, 20 रुपए की, 20 रुपए की बोतल ली है। सही बात, देखिए हम जो हर लड़कियों को जरूरत पड़ती है। परे वाली बैग दे दे, पुशअप। हम आपको दिखाएंगे आज क्या क्या शॉपिंग की है। ये औरतें बनी थी, टिफिन लेके आई है। ये मैंने स्पेशल रोटियां बनाने के लिए, रोटियां रखने के लिए दिया। ये काली हो चुकी है तो इसको हम रगड़ेंगे। 200 रुपए बोला है। ये मैंने ली है, कौन सी वाली अच्छी है? ये वाली की मैरून वाली, बहुत अच्छी है। ये वाला लगा के बहुत सुंदर, नहीं अच्छी है, मैंने बोलती बुरी है। इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी, ये उतनी अच्छी नहीं लग रही थी इसके ऊपर। ये लग रही थी ये मैंने छांटी थी, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है मेरे ऊपर ना, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है। और मेरे ऊपर बहुत मतलब जो भी ट्राई करूँ अच्छी लग रही हो, अच्छी दिख रही हूँ। नहीं नहीं थक चुके हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों ने मेरी शॉपिंग नहीं देखी है, मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी है और मैंने वो शॉपिंग सारी अपनी शॉप में रखी है। सच्ची कितने ले मैं रखे शॉप में ना। ये देखिए मैंने भीख मांगने के लिए क्योंकि मैं बहुत कंगाल हो चुकी हूं। सारे पैसे उड़ा दिए इसने शॉपिंग करने में, मुझे इसने भीख मांगनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे बाद में। अब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं चेंज करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी सिंकाना। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी हमने यहाँ सारा सामान समेट लिया है, पैक कर लिया है। और अभी मैंने आटा गूंदना है सुबह के लिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया और फिर सुबह जल्दी नींद नहीं जाएगी, इसलिए अभी ही हम आटा गूंद के रखेंगे और सब्ज़ी भी काट के रखेंगे। बस फिलहाल अभी हमने यही करना है, फिर उसके बाद खाना हमने खा लिया बाहरी और उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा और मुझे मनाली जाना पड़ेगा। शब्बू अंदर भांडे मांज रही है, दिखाती हूँ आपको ये कैसे बर्तन चमकाती है एकदम चकाचक। हम दोनों ने वाइट पहना हुआ, दोनों ने देखना शब्बू के बर्तन कैसे चमकते हैं। कुल्लू में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, सब बर्तनों से ऐसी चमक आ जाती है। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे शीशे की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे शब्बू बर्तन धोती है, हम बर्तन में अपना चेहरा देख लेते हैं। ये ऐसे चमका देती है कि बर्तन में हम अपना शीशा देख लेते हैं। आइए आपको दिखाती हूँ शब्बू के बर्तन में। लोगों ने मेरे मेरी बाई नहीं आई, बर्तन में जम गई काई। तो देखिए गाइस, इन लोगों ने मेरी बहुत बुरी हालत करवाई है। अब शब्बू को हमने सब्जी दे दिया काटने को और मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ। सब्जी दे दी, बर्तन मांजे, सब कुछ किया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो मोनिका ने यहाँ पे चकाचक कर दिया है, साफ कर, और हम भी अपने काम करके फ्री हो गए और हम मस्त स्टाइल से सो जाएंगे। 8 बज गए हैं, पहले इसने बहुत ज्यादा थक गई पहले इसने झूठ बोला था कि 12 बजे 11 बज गए हैं अभी के अभी। अरे 11 नहीं बजे, 11 बज के 8। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने मेरे को लगा कि भाई 12 बज गए और हम फ्री हो चुके हैं। अब हम सोएंगे, रेस्ट करेंगे, अब हम सोएंगे, थोड़ी बातें करेंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।